नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के अलावा तीन और कौन से देश हैं जो वीटो पावर के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जब भी संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के चार्टर एक्ट में कुछ संशोधन होता है तो भारत के अतिरिक्त तीन और देश हैं जो वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं। जो संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से आप लोग सब जानते हैं अमेरिका हो गया, अमेरिका के अलावा रूस, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के पास वीटो पावर है। ये पांच देश हैं, पांच देश के पास वीटो पावर है और जिनमें से चार देश तो तैयार हो जाएंगे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, और जो पांचवा देश है चाइना। चीन भारत के वीटो पावर में हमेशा अड़ंगा लगाता रहा है। चाइना चाहता है कि जो साउथ एशिया है, एशिया में वही सबसे ताकतवर देश बना रहे और भारत को वीटो पावर कभी न मिले। इसके अलावा अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये चार देश तो तैयार हो जाएंगे, पांचवा देश चाइना तैयार नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं भारत के अतिरिक्त कौन तीन से देश हैं जो वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं। भारत के अतिरिक्त जो तीन देश हैं उनमें पहला तो आप मान सकते हैं भारत। भारत तो पहला दावेदार है ही। भारत के साथ जो है जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये चार देश हैं जो वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं और भारत के अतिरिक्त ये तीन देश हैं। भारत तो पहले नंबर पर वीटो पावर का प्रबल दावेदार है, साथ में जापान, जर्मनी, ब्राजील। और 2004 में 22 सितंबर 2004 में जब संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र महासभा में 59वें अधिवेशन में जब संयुक्त राष्ट्र में 59वां अधिवेशन हुआ था, उसमें कुछ संशोधन हुए थे। उन संशोधनों में कहा गया था जो चार देश हैं, ये चार देश मिलकर भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील एक दूसरे का समर्थन करेंगे। उनका कहना था कि हम चारों आपस मिलकर एक दूसरे का समर्थन करेंगे। इसके बाद ये देश जी फोर नेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। जी फोर राष्ट्र जो हैं वह भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह उस दौरान के प्रधानमंत्री थे भारत के। डॉक्टर मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र महासभा में 59वें अधिवेशन में भाग लिए थे। उस दौरान भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील के बीच G4 राष्ट्र का अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये चारों देश एक दूसरे का सपोर्ट करने की बात कही थी और चारों देश भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। भारत प्रबल दावेदार है ही है। इसके बाद जापान शांति स्थापना करता है और साथ में जर्मनी भी एक अच्छा देश माना जा रहा है और ब्राजील। और ये हमें ये तीनों देश तो भारत कह ही रहे कि भारत किसी को मिले वीटो पावर या ना मिले, भारत को वीटो पावर जरूर मिले। और जो संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्यों में 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं उनका निर्वाचन हर 2 साल के लिए होता है। और देखा जाए जो 5 होते हैं अफ्रीका और एशिया के सदस्य होते हैं अस्थायी सदस्यों में, और 2 लैटिन अमेरिका, और जो 3 राष्ट्र होते हैं वह यूरोप से माने जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं दोस्तों जो G4 नेशन है उनमें भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ये चार देश वीटो पावर के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।